हाय डियर ऑल, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। माय टुडेज टॉपिक इज हाउ टू मेक राइट डिसीजन। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एसेसिंग ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। इन आवर डे टू डे लाइफ there are certain decisions which are easy to take, while there are some decisions which are not so easy. For example, what career to opt, what subjects to choose, what partner to marry, changing of job, and when is the right time to have children. कभी-कभी तो ऐसी situation आती है कि हम फैसला नहीं कर पाते हैं कि व्हाट डिसीजन टू टेक, क्या हमारे द्वारा लिया गया डिसीजन क्या सही होगा। माय डियर, डिसीजन मेकिंग इज अ स्किल एंड स्किल कैन बी लर्न्ड। ऑल सक्सेसफुल पीपल आर पावरफुल डिसीजन मेकर। देयर आर थ्री डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। वन इज इंट्यूशन बेस्ड, दिस इज ऑल्सो अवर गट फीलिंग, जिसको हम कहते हैं कि हमारा मन ये कह रहा था। सो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के नॉलेज पे बेस्ड हम कुछ ओपिनियन बना लेते हैं एंड दिस ओपिनियन वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल। सो दिस इज अ सब्जेक्टिव वे ऑफ थिंकिंग। सेकेंड वन इज रीजनिंग बेस्ड। वी मेक ओपिनियन based on data, figure and facts, and this is more objective way, and usually जो बड़े decision होते हैं वो reasoning base पर ही लिए जाते हैं। and third one is combination of both। typically हम किसी decision को लेते समय intuition as well as reasoning को ध्यान में रखते हैं। now I will discuss the steps which we have to follow while taking decision। तो पहला step है कि आपको अपनी problem को identify करना होगा। Once the problem is identified, we can work on it। Problem identify करने के बाद आपको उस problem से related information को different sources से collect करना होगा। Once the information is collected from different sources, then we have to arrange it in a logical sequence। आपने वो जो sources से आपने जो information collect की है, आप उसको एक logical sequence में arrange करोगे, जिससे कि आपको उस information को समझने में आसानी हो जाए। इसके बाद हमें find out करने हैं उसके जितने possible alternatives हैं, जितने options हैं वो फाइंड आउट करने हैं और लिस्टिंग करनी है उन अल्टरनेटिव्स की, और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को लिखना है। उसमें से जो आपका बेस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आपको लगता है, दैट यू हैव टू सेलेक्ट। नाउ गो अहेड, वर्क ऑन द एक्शन प्लान फॉर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन, एंड कीप इन माइंड द डिसीजन शुड बी taken in long-term perspective instead of short-term perspective, and once the decision is taken, be committed to the decision। तो आपने decision ले लिया, अब आप अपने सपनों को reality में बदलिए। Now, factors affecting decision making। Number one is, decision लेने में ज़्यादा time मत लगाइए। ज़्यादा time लगाने से एंजाइटी हो सकती है और हम ओवरथिंकिंग कर सकते हैं, एंड दिस मे गो रॉन्ग। वंस डिसीजन इज टेकन, नो फर्दर एनालिसिस। एंड नंबर टू इज, डिसीजन जल्दी लीजिए, लेकिन डिसीजन जल्दीबाजी में मत लीजिए। डिसीजन लेने में देरी करने से मोटिवेशन एंड इंथुजियाज्म दोनों खत्म हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन बदल सकती है, एंड यू मे हैव टू रिग्रेट ऑल्सो। एंड थर्ड वन इज, डिसीजन कभी भी तब मत लीजिए जब आप बहुत खुश हों या जब आप बहुत दुखी हों, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में हमारा माइंड अलग तरीके से, नॉर्मल से अलग तरीके से रिएक्ट करता है। सो बेस्ट डिसीजंस आर टेकन व्हेन यू आर एट पीस। अनदर पॉइंट इज,
वी मे इजीली फॉल सर्टेन पर्सनल ट्रैप्स व्हाइल मेकिंग डिसीजन, लाइक वी मे नॉट वांट टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, वी मे नॉट वांट टू टेक रिस्क, और सेकंड थिंग इज वी मे बी बायस्ड और जजमेंटल वन थिंग ओवर अनदर थिंग. सो दीज आर टू पर्सनल ट्रैप्स विच मे हिंडर अवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज कभी कभी हमें अपने डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है. सो बेटर डिसीजन लेने से पहले इनसिक्योरिटी को हम सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दें. नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट गेट टू इन्वॉल्व इन स्मॉल इश्यूज, दिस मे अगेन शिफ्ट योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एंड लास्ट वन इज डोंट एक्सपेक्ट यूनैनिमस अप्रूवल, नो टू पर्सन विल हैप्पीली गो विद योर डिसीजन. Now, how to improve decision-making skill? So, number one is set goals. Goal set करने से आपकी decision-making process simple होगी और आपको अपने destination में पहुँचने में आसानी होगी. Number two is reduce choices. जो alternative options हैं उनको narrow down करिए, otherwise it will divert your mind. Next one is acquire नॉलेज, इट विल हेल्प इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. द ग्रेटर योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज द सिंपलर विल बी द प्रोसेस. लास्ट वन इज कभी भी 100% इंफॉर्मेशन गैदर करने के चक्कर में मत पड़िए. इवन स्मॉल फेलियर्स मे बी हेल्पफुल फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज. होप दिस वीडियो विल सर्टेनली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.